Let's do question number 25 of exercise 15b, that is perimeter and area of a plane figure. Question number 25 is find the area of the quadrilateral ABCD. ABCD quadrilateral ka area nikalna hai, in which AD is 24 cm, BAD hai 90 degree ka angle, and BCD is an equilateral triangle. BCD equilateral triangle hai, having each side equal to 26 cm. Sari sides 26 cm. Also find the perimeter of the quadrilateral. Hame perimeter nikalna hai is quadrilateral ka, aur root 3 ki value hai 1.73. Right? To kaise nikalenge? देखिए एरिया हम कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा. तो हम ऐसे ही निकालने की कोशिश करते हैं. तो अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारा इक्विलेटरल और राइट एंगल के एरिया से निकलेगा. अब राइट एंगल के एरिया के लिए हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा होता है राइट एंगल का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो पहले हम बेस निकाल लेते हैं. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट. तो अब हमें इस राइट ट्रायंगल में देखनी है. तो हमारा परपेंडिकुलर हुआ 24 और हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ 26. तो 26 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो 26 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 26 इंटू 26 6 6 36, 6 2s are 12, 13 14 15, 2 6s are 12 carry 1, 2 2s are 4 and 5. तो ये आया 676, 676 आ गया equals to 24. देखते 24 into 24, 4 4s are 16, 4 2s are 8 and 9, 2 4s are 8 and 2 2s are 4. तो ये आया 576, 576 plus b square. तो ये कितना आ गया, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये 576 इधर आ गया, तो माइनस का हो गया. तो 676 में से 576 माइनस हुआ तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 और b की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट इज 10 सेंटीमीटर आ गया b. तो इसका मतलब ये वाली साइड हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर, राइट. अब एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल निकालेंगे. एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल वो होता है हाफ इनटू बेस, बेस हुआ ए बी और हाइट हुई ए डी. तो हाफ ए बी की जगह हमने 10 लिख दिया और ए डी की जगह 24 लिख दिया. तो ये कितना आ गया, 2 1s are 2, 2 12s are 24. तो ये आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल. अब हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये आया हमारा होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर. ए होती है साइड, तो रूट 3/4 साइड है हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल की 26 सेंटीमीटर. तो हमने 26 इंटू 26 कर दिया. ये आया 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, अगेन 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6. तो ये आया 13 into 13 is 169 और रूट 3 की वैल्यू क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्या लेनी है, 1.73. तो हमने ले लिया 1.73. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 169 को 173 से मल्टीप्लाई किया तो 3 9s are 27, 3 6s are 18, 19 20 2 कैरी, 3 1s are 3, 4 5, 7 9s are 63, 6 carry, 48 आ गया, 4 carry, 7 1s are 7, 8 9 10 11, 9 6 and 1. तो ये आ गया 7 3. 9 plus 8 is 17, 17 plus 5 is 22, 2 carry, ये आ गया 9 and 2. तो ये आया
292.37 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, बी ए डी. यहाँ पे आप लिख दीजिए ये है ट्राइंगल बी ए डी का एरिया, तो ट्राइंगल बी ए डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल का क्या था, दैट इज बी सी डी इज एन इक्विलेटरल, तो बी सी डी ही लिख देते हैं, ये लिख देते हैं ट्राइंगल बी सी डी. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, तो ये कितना आया, बी ए डी का एरिया आया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी सी डी का एरिया आया 292.37. तो ये कितना आ गया 0.37 एज इट इज 2, 9 + 2 = 11 कैरी 1, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया. राइट अब हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. तो कैसे निकालेंगे, कभी भी पेरीमीटर निकालना हो तो सारी साइड्स ऐड कर देते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. तो ए बी बी सी सी डी क्या दे रखी हैं, देखिए ए बी आई 10, बी सी सी डी आई 26 और डी ए आई 24. तो ये आया 10 + 26 + 26 + 24. तो ये कितना आ गया 6 + 4 = 10, 16 कैरी 1 और ये आ गया 8, 86 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. आंसर